नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। तो बच्चों, अब तक की हिंदी कक्षा में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और आपका इससे ज्ञान बढ़ा होगा। तो बच्चों, आज हम अपना और ज्ञान बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में एक किसान है जो बैल और हल की सहायता से अपनी खेती कर रहा है, और सैनिक अपने औजारों के साथ बॉर्डर पर तैनात है देश की सुरक्षा के लिए। तो बच्चों, आपको इस चित्र से क्या संदेश मिल रहा है कि किस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे किसान खेती करके अनाज उगाता है और अनाज उगा के जो हम खाते हैं, अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम कुछ खा पाएंगे नहीं, हम भूखे रह जाएंगे। और सैनिक बॉर्डर पर तैनात नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे क्या? नहीं। तो ये दोनों भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करने का हमें यह संदेश दे रहे हैं। और ये अपने धर्म का पालन कैसा कर रहे हैं बच्चे? अपने काम करके किसान अनाज उगाकर अपने धर्म का पालन कर रहा है, सैनिक देश की रक्षा करके हमें सुरक्षित करके अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो बच्चों, इन दोनों से आपको क्या सीख मिलती है? आप क्या सीखते हैं? अपने कर्तव्य, अपने काम किस तरह से करना चाहिए? तो बच्चों, आप अपने काम और अपने कर्तव्य और धर्म का पालन कैसा करेंगे? जैसे आपका कोई मित्र है, वह गरीब है, पुस्तक नहीं खरीद सकता, तो उसे आप पुस्तक खरीद कर देंगे। इस तरह से आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। और काम, आप अच्छे काम क्या करोगे बच्चे? जैसे सवेरे जल्दी उठना, बड़ों का आदर करना, भगवान से प्रार्थना करना, है ना? भगवान से प्रार्थना क्या करेंगे बच्चों आप? कि हमें सच्चाई का मार्ग दे, हम अच्छे बने। तो हमारा जो आज का पाठ है वह भी क्या है? प्रार्थना। और इसमें ऐसे ही दो बच्चे हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आओ बच्चों, हम हमारी कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। इस कविता में कुछ नए शब्द है बच्चों, जो मैं आपको बताती हूँ। आनंद है, शीघ्र है, दुर्गुणों है, शरण है, सदाचारी है, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, व्रतधारी, निंदा, ईर्ष्य। तो इन नए शब्दों का मैं आपको अर्थ भी बताती हूँ। जैसे आनंद का अर्थ होता है प्रसन्न
खुश। शीघ्र का अर्थ होता है तुरंत, जल्दी। दुर्गुणों का अर्थ होता है बुरे गुण, बुरा व्यवहार। शरण का अर्थ होता है पनाह। जैसे हम किसी के पास जाते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, वह उसे कहते हैं पनाह। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। जैसे दुनिया में कई चीजें होती है, उसका मोह हमें नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। धर्मरक्षक, धर्मरक्षक का अर्थ है धर्म की रक्षा करने वाला। जैसे हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले चित्र में बताया था कि किस तरह से किसान और सैनिक अपने धर्म का पालन कर रहे, धर्म रक्षक है वह हमारे। वीर, वीर का अर्थ होता है बहादुर। व्रतधारी का अर्थ होता है व्रत करने वाला, जैसे अपने नियमों का पालन करने वाला। निंदा का अर्थ होता है बुराई। ईर्ष्या का अर्थ होता है जल। तो ये हो गए बच्चों शब्दों के अर्थ। अब हम कविता की पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बच्चे भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो बुरे गुण हैं, हमारे जो बुरी आदतें हैं, उसे तुरंत दूर करें और हमें एक अच्छा ज्ञान दे। यह प्रार्थना बच्चे भगवान से कर रहे हैं। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वह भगवान से पनाह चाहते हैं और एक अच्छा व्यवहार, और दुनिया में कोई भी चीज का उन्हें मोह न हो, सबसे मिलजुल कर रहे, बहादुर बने और अपने नियमों का, अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करें। यह प्रार्थना वह भगवान से कर रहे हैं। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी न करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी न करें। बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इतना ज्ञान दे कि हम कभी भी किसी की बुराई न करें और न किसी से भी हम जलन करें। यह अच्छे ज्ञान देने की प्रार्थना वह भगवान से कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की इस कविता से हमने कौन सा नया ज्ञान प्राप्त किया है? हमने कई नए शब्द सीखे, उन शब्दों के अर्थ को सीखा, और व्याकरण में विलोम और पर्यायवाची शब्द हमने सीखे। और बच्चों, इस कविता की पंक्तियां हमें क्या सिखाती है? कि कभी भी किसी की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, और जो हम में बुरे गुण हैं, उसे दूर करके सद्गुणों को अपनाना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता की जो अगली पंक्तियां हैं, हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।